मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज ना हम लोग वाटर स्पोर्ट्स करने जाने वाले हैं, बहुत मस्ती होगी, बहुत धमाल होगा। और वैसे भी जब हम आउटडोर में होते हैं ना तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती हूँ स्किन के लिए, इसलिए देखिए मैंने स्किन पे हनी और लेमन का लेप लगाया हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सो अब हम लोग उठ चुके हैं एंड मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, ब्रेकफास्ट आएगा हम लोग वो खाएंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे। और आज मैंने कुछ बहुत ही खुराफाती प्लान किया है शोएब के लिए, जो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी शोएब को कि अरे मैंने तो अभी रियलाइज़ किया, तो वो आप शोएब के चैनल में देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा वो देख के। एंड सो अब मैं सोच रही हूँ कि जब तक ब्रेकफास्ट आता है मैं बालों का भी कुछ कर लूँ, क्योंकि ना धूप में वो बाल एकदम ऐसे फ्रिजी फ्रिजी से फ्लेकी फ्लेकी से हो जाते हैं, ऑब्वियसली धूप में डैमेज तो होता ही है, तो वो देख के मुझे बहुत ऐसे तकलीफ होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कुछ बालों में भी लगा लूँ, कुछ बालों को भी ठीक कर लिया जाए। एंड हाँ फिर मिलते हैं। सो मैंने आपको बोला था ना कि आज बालों का भी कुछ करना पड़ेगा। सो आज जो है मैं यूज कर रही हूँ विश केयर ब्रांड का फर्मेंटेड राइस वाटर कंप्लीट हेयर केयर किट। मैंने अभी शैम्पू किया है और अब मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ, तो इसीलिए मैं हेयर कंडीशनर नहीं यूज कर रही हूँ। बट यू नो गाइज, जब आपको अगर इसके मोस्ट सबसे मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए ना, तो आपको पहले इसी रेंज का हेयर ऑयल यूज करना है, फिर उसके बाद उसका शैम्पू करना है। आप नॉर्मल सिचुएशंस में मतलब डेली में आप उसका कंडीशनर यूज कर सकते हैं, और अगर किसी दिन आपको एक्स्ट्रा हेयर केयर करना है जैसे आज मैं कर रही हूँ, तो आप इस तरह से इसका मास्क लगा सकते हैं। सो ये फर्मेंटेड राइस वाटर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैंने इंडिया में पहली बार इसकी रेंज देखी है। इससे पहले मैंने इंडियन प्रोडक्ट्स में इसकी रेंज नहीं देखी है। इट्स अ वेरी यूनिक फॉर्मूला। आप में से कई लोग जो DIYs करते हैं वो जानते होंगे कि जो राइस मास्क है वो बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका DIY थोड़ा सा ट्रिकी होता है गाइज, बिकॉज अगर आप उसे सही से नहीं बनाएं तो वो आपके बालों को फायदा करने की बजाय उसको ड्राई और ब्रेकेज थोड़ी इनकरेज कर देगा। अगर सही से नहीं बनाया तो, अगर सही से बनाया तो ऑब्वियसली बहुत फायदा करेगा, इट्स अ वेरी गुड DIY। सो जो लोग इसको सही से नहीं बना पाएंगे या जिनको लगता है कि ये बहुत ट्रिकी है और वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए विश केयर ब्रांड हैज गॉट दिस वेरी गुड सोल्यूशन विच इज द फर्मेंटेड राइस वाटर हेयर ऑयल शैम्पू कंडीशनर एंड हेयर मास्क। आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि विश केयर ब्रांड को मैं काफी समय से यूज करती हूँ और ये ब्रांड मुझे काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैंने जो अपना होममेड हेयर ऑयल की जो रेसिपी डाली है उसमें भी मैंने विश केयर ब्रांड के ही ऑयल्स यूज किए हैं। सो मैंने अपने हेयर मास्क का एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है, देखिए अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब मैं इसे एटलीस्ट 15-20 मिनट या अगर मेरे पास वक्त हुआ तो उससे ज़्यादा रखूंगी, उसके बाद वॉश करूंगी। सो गाइज, ये जो फर्मेंटेड राइस वाटर का जो रेंज है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग शाइनी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका ब्रेकेज इशू सॉल्व करता है, फ्रिजीनेस कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस और सारे इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत अच्छे हैं। सो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा गाइज। ये सभी प्रोडक्ट सल्फेट, पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री फॉर्मुलेशन से बनाए गए हैं। विश केयर इज अ मेड इन इंडिया ब्रांड गाइस, इनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, इनकी पैकेजिंग रिसाइक्लेबल है, इनका मोटो है यू विश वी केयर। हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड दीपिका की दुनिया में वेलकम बैक। और आपने शोएब के चैनल पे देख लिया होगा कि आज हम स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स करने आए हैं, और मैंने शोएब को ये पहनाया है, ये तो आपने इनके चैनल में देखा होगा, पर पर्सनली शोएब आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी स्मार्ट लग रहे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स की तरफ, वहाँ हम क्या करेंगे वो आप शोएब के चैनल में देखेंगे, और मैं बीच बीच में ऐसे थोड़े बनाती रहूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्योंकि शोएब कह रहे हैं तो मैं किसी तरह से थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटा रही हूँ कुछ करने की, तो देखते हैं मैं करती हूँ या नहीं। ओके, ये मस्त चटके लग रहे हैं इस वक्त, हम सब नंगे पांव हैं और रेत बहुत गर्म है। हम लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, सो हम लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं इसलिए चप्पल नहीं पहन पा रहे हैं, और पैर पे बहुत मस्त वाले चटके लग रहे हैं। हम यहाँ वाटर स्पोर्ट्स की बोट में हैं, मैं बहुत हिम्मत करके बोट तक तो आ गई, लेकिन वाटर स्पोर्ट करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ, शोर ने भी कर लिया पर मैं नहीं करूँगी, मैं यहीं बैठी हुई थी। सो वाटर स्पोर्ट्स हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अभी पानी में थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से पानी में, हम सब के सब, यहाँ पानी आ रहा है इसमें
बैठे हुए हैं, बताओ देखो अभिषेक बैठा हुआ है। अभी हम यहाँ थोड़ी मस्ती करेंगे, फिर जाके अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि पानी के बाद बहुत करते हैं। अच्छा अच्छा खाना तो खाते हैं। और पानी के बाद और ज्यादा भूख लगती है, तो बहुत जम के भूख लगने वाली है। पानी तेरा रंग कैसा। ए, मेरे फोन पे मत मारो। ये देखिए, ये मैं अपना फेस क्लीनिंग कर रही हूँ अपने सेटाफिल लोशन से। मैंने अपना टाल टिश्यू सब निकाल लिया है। मैंने कहा था ना आपसे कि आज हम बीच पे जा रहे हैं तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। मुझे इन बबल से खेलने में बहुत मज़ा आता है, उनको देख के बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट बचपन में ना, जब मुझे अगर मुझे कभी मार्केट में ये नहीं मिला करता था, तो मैं घर पे सोप वाटर एंड पेपर कोन बना के बबल्स के साथ खेला करती थी। आप में से किस किस को बबल्स पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम हैं प्लैनेट गोवा में एंड यहाँ पे हमें ये दिखाने वाले हैं कि ये मॉकटेल्स कैसे बनाते हैं। ये हमें 3 मॉकटेल्स सिखाएंगे और मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं भी वैसा बना पाऊँ, तो आइए बनवाते हैं। हाय, आपको क्या नाम है? अजीत। तो ये अजीत है और आप मॉकटेल्स बनाते हैं। वाह, लवली। सो हम आज 3 बनाएंगे, इनके मेन्यू में है। वन इज वर्जिन मोहितो, आई थिंक ये हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इनके पास ही बड़े क्यूट नाम का है, मुझे नहीं पता कहीं और मिलता है, यानी मिकी माउस। तो एक हम मिकी माउस ट्राई करेंगे एंड एक और आप सजेस्ट कीजिए कौन सा ट्राई करें। फ्रूट पंच। ओके, सो वर्जिन माई तो फ्रूट पंच एंड मिकी माउस। चलिए चलिए आप बनाइए फ्रूट पंच। सो अभी हम फ्रूट पंच बनाएंगे। आप इसमें मिक्स करेंगे। ओके, सो ये सबसे पहले इस ग्लास में आइस डाल रहे हैं और इसमें ये मिक्स करेंगे। ये कौन सा जूस है? दिस इज पाइन एप्पल जूस, क्रैनबेरी जूस एंड दैट्स ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी क्रश। फ्रेश क्रीम, वाओ। ये है चॉकलेट सिरप, जो ये पहले ग्लास में डाल दे। ओह वाह, एक मिनट एक मिनट, इन्होंने इतनी प्रिटी तरीके से इसमें स्प्रेड कर दिया, ये देखो। वाओ, इसको सीखने में टाइम जाएगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, अब ये सब गोल कर। तो अभी बहुत ही ब्यूटीफुली इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रॉ इन्होंने डाल दी एंड ये देखिए पाइनएप्पल को किस तरह से रेडी कर रहे हैं एंड इसे ये प्लेस कर देंगे ग्लास पे। वाओ, हाउ क्यूट। सो हमारा फ्रूट पंच रेडी है विद ब्यूटीफुल गार्निशिंग। अभी नेक्स्ट कौन सा? तो मेरे लिए आप कौन सा छोड़ रहे हैं? मिकी माउस। मैं मिकी माउस बनाऊंगी। ओके, मैं मिकी माउस बनाऊंगी। इसका ग्लास अलग है, वाओ। ये आपने कैसे किया था ऐसा? नहीं हुआ। ट्रिक एंड ट्विस्ट। ये क्या था? ये क्या था? मिंट। ओके, सो पहले इन्होंने इसमें लाइम डाला है, फिर मिंट डाला है। हाँ, हो गया हो गया। मतलब नॉट एग्जैक्टली उनके जैसा, बट क्लोज बाय, नॉट बैड ना। करते करते आ जाए। खूब सारी आइस। ये आइस क्रशर है, तो ये आइस क्रश करके इसमें डाल। तो हम इसे घर पे कैसे क्रश करें?
कहेंगे घर पे मत करो ना, तभी तो यहाँ आके पियोगे, है ना जी? ये क्या है? ओके, दिस इज शुगर सिरप एंड ये लेमन जूस। सो शुगर सिरप, ये बंटी भी आ गया यहाँ पे चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। ये कौन बना मैडम आपने? नहीं, ये मैं अभी बनाऊंगी। ये अजीत ने बनाया है, ये भी अजीत बना रहे हैं, वर्जिन वॉइस ऑफ मिकी माउस मैं बनाऊंगी। इसको पिएगा कौन? हाँ, मोजिटो मिंट। मोजिटो मिंट, ये सब नॉन अल्कोहलिक है ना? नॉन अल्कोहलिक। और ये स्प्राइट। तो इसमें हमने सबसे पहले डाला नींबू, फिर हमने डाला मिंट, फिर हमने डाला आइस, फिर लेमन जूस, फिर लेमन जूस, फिर शुगर सिरप, फिर वो वर्जिन मोजिटो मिंट और शुगर। दैट्स इट। यार आप बड़ी आसानी से कर लेते हो, ये मैं नहीं कर पा रही। ये देखो मेरा खुल गया वापस। स्ट्रेट किया, हो गया। ओके ठीक है, तो ये मेरे मिकी माउस में जाएगा कि मैंने किया। तो ये हमारे दो हो गए, अब मिकी माउस मैं बनाऊंगी। क्लास मिकी माउस के लिए ओके डाल देना। ये है, कितना डालूं आप बताओ? बस। ओके, इसके बाद कोक, पेप्सी कुछ भी चलेगा। ये इतना पूरा डालना है? पूरा नहीं डालना, इतना डालना। ओके डालो। ओके, सो आपको लगभग 3/4 से थोड़ा ऊपर भरना है। ये लीजिए। हाँ जी, अभी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? या कितनी डालू? जितना हो सके पूरा। अगर आप लोग गोवा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कैलिंगुट बीच पे जरूर आएंगे, तो आप जरूर प्लैनेट गोवा आइएगा। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। थैंक यू सो मच। चलो अभी हम टेबल पे ये लेके चलते हैं। मैं थोड़ा स्टाइल मारने की कोशिश करूँ, गिराऊंगी नहीं। ये है फ्रूट पंच, ये है वर्जिन मोहितो और ये है मिकी माउस। कौन सा अच्छा होता है? मुझे नहीं पता, आप पी के बताओ कौन सा अच्छा है। फ्रूट पंच। देखो टेस्ट तीनों करना पड़ेगा। ये नहीं, मैंने ये बनाया, मतलब उन्होंने सिखाया पर मैंने बनाया। अच्छा है ना? क्या बात है? अभी हम ये बना सकते हैं, मतलब वो इतने स्वीट है ना, अजीत उनका नाम है, इतने स्वीट है। मैंने उनसे पूछा अगर हमारे पास घर पे आइस क्रश करने के लिए नहीं है तो
तो चुप हो गए। तो उनका मतलब ये था कि घर पे आइस क्रश मत करो ना, हमारे पास आके पियो। अपने पास याद है पुराने जमाने में पुराने टाइम पे नहीं, पर ये गोले की तरह प्रॉपर वो है। हाँ, अरे पेपर के वो नहीं होता, प्लास्टिक का वो डाल के टप गन्ने के जूस में मारा। देखो मैंने फ्रूट पंच और वर्जिन मोई तो कई बार पिया है, लेकिन मैंने मिकी माउस नहीं पिया है। तो मैं पहले सबसे पहले ये ट्राई करूंगी। मस्त है, बहुत अच्छा है। वो कोक में लेमन और फिर आइसक्रीम का मिक्स हो जा रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी रिफ्रेशिंग। सो अब हम लोग वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी थक गए और ऑब्वियसली बीच में बहुत मस्ती की तो सब सॉल्टी वाटर और सैंड एकदम चिकट चिकट हो रहा है। तो अभी हम होटल जा रहे हैं। सो बैक टू आवर स्कूटी राइड। अभी हम लोग वापस होटल जा रहे हैं और मैं बहुत ज़ोर से बात कर रही हूँ, रियली होप मेरी आवाज़ सुनाई दे। और ये शोर चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ।